اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الحمد لله الحمد لله الذي انزل القران وامرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القران ترتيلا صدق الله العظيم मोहतर महोतम नादिनसाम अलक वरह वक् व मख्फ़रातु आपके पसंदीदा प्रोग्राम आइए क़ुरान सीखें तजवीद के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है महजद दादरिन कराम आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ फजायल कुरान या अहदी से तयबात की रोशनी में किया करते हैं और उसमें हम किसी आया मुबारक की फजीलत ये सूर मुबारक की फजीलत या फिर कोई अच्छा वाक़ा जो अहदीसी मुबारक में जो अहम वाक़ात जिक्र किए गए हैं उनमें से कोई वाक़ जिक्र किया करते हैं नाजिराम अलहद ला हमने सूरतलफील की इब्ता की थी और सूरतलफील का कुछ बैक ग्राउंड हमने आपसे वादा किया था कि हम इन शजीज़ अगले प्रोग्राम में वो जिक्र करेंगे सूरतुलफील इसका बैक ग्राउंड आज के प्रोग्राम में इनशल पेश करेंगे उम्मीद है इन शजीज आप इसको नोट भी फरमाएंगे और याद भी रखेंगे ताकि सूरतलफील पढ़ते हुए फिर ये वाक़ आपकी आंखों के सामने भी होगा और इन शसवुरा में आप सूरत को पढ़ने में एक लज्जत एक हलावत महसूस करेंगे आइए सूरत ال... सूरतलफील की इस वाके की जानब बढ़ते हैं ना सूरतुल्फील ये मक्की सूरत है मक्की सूरत का मतलब यानी हजरत मक्र यानी हिजरत मदीना से पहले इस शुरह मुबारक का नज़ुल हुआ और इस शुरह मुबारक में पाँच आयात और एक रुकू है इस शुरह मुबारक में इस सुरह मुबारक का नाम फील है अधिन फील कहते हैं हाथी को और इसमें हाथी वालों का वाक़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल रब्लमीन ने बताया कि इस सुरह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्लमी ने हाथी वालों का वाक़ पेश फरमाया नाज़िन हाथी वालों का वाक़ क्या है अब रहा एक बादशाह था जो यमन और सना का बादशाह कहलाता था और वहाँ पर उसने अपने मुल्क की जिस तरीके से आज हराम शरीफ है और वहाँ पर मक्का मुकरमा है खाना काबा मौजूद है उसने चाहा और उसने बल्कि तामीर कर दिया अपने यमन और शना के अंदर एक बहुत बड़ा खान काबा नुमा एक गरजा घर गर तामीर कर दिया और बहुत ही खूबसूरत तामीर किया और तामीर करने के बाद बड़े ही खूबसूरत उसके उसको उसके अंदाज़ तमीर था और लोगों को हुक्म दिया कि अब तुम इसका तवाफ़ करो और इसका हज करो जब मक्का मुकरमा और खान काबा के लोगों को पता चला अरब के लोगों को पता चला कि ये इसने नापाक अजाइम और नापाक नापाक हरकत की है तो उस पर अरब के रहने वालों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और फिर एहतजाज किया यहाँ तक के फिर एक शख्स ने यमन और सना का गुस्से में सफ़र किया बहुत ही सख्त गुस्से में उसने यमन अरब से यानी मक् मकरमा से उसने यमन का सफ़र किया इंतहाई सख्त गु़स्से की हालत में और वहाँ जाकर फिर उसने उस गिरजा घर के अंदर गया जो खूबसूरत एक खाना क़बा नुमा तमीर किया था उसने वहाँ पर इस शदीद गुस्से का इजहार इस अंदाज से किया कि उसने वहाँ जाकर उस के अंदर खज़ा हाजत कीमा मुफसरिन लिखते हैं कि उसने ख़जाए हाजत की ख़ाए हाजरत से मुराद यानी कि उसने उस गिरजा घर को टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल किया और वहाँ गंदगी की और गंदगी करने के बाद फिर गंदगी को यहाँ तक के दीवारों पर भी मल दिया जब अब्रहा को इसका पता चला कि इसने किसी ने आकर यह अमल किया है तो उसने कसम खा दी कसम खाई और कहा कि अब मैं जो है खाना काबा को नाउज बिल्ला मैं इसको गिरा कर ही दम लूँगा मैं इसको सफ़ा हस्ती से मिटा दूँगा नादिर निकराम मुफसरिन लिखते हैं कि फिर उसने इसने अपने नापाक अजाइम को पूरा करने के लिए हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर कई हज़ार जो है उसमें सिपाही और हाथी और घोड़े मुश्तमिल थे और उस वक्त मक मुकर्रमा की आबादी बहुत ही मुख्तसर थी चंद हज़ार लोग वहाँ के मकामी थे जिनमें मर्द औरतें बच्चे ये सब शामिल थे ये चंद मुख्तसर इब्तदाई इब्तदाई इस्लाम से पहले की बातें और गालिबा वल्मा लिखते हैं कि आप सल्ह वम की विलदत बात से तकरीबन पचास या पचपन दिन पहले का वाक़ है कि जो अब्रहा का हाथी वालों का वाक़ फील वालों का हाथी वाक़ पेश आया अब उसने अपने लश्कर को लिया और लश्कर को ले जाने के वहाँ अरब में एक जगह पर उसने वहाँ पड़ाव डाला और जो काफले आते उनको लूटता और उनको तरह तरह की परेशानियों से दो चार करता कि लोग यहाँ तक कि अपनी परेशानियों से तंग आकर या तो मेरा साथ दें काबा को गिराने में या फिर ये तंग आकर इस खान कबा को छोड़ दें और उस वक्त मक्का मुकर्रमा के सरदार और खान क़बा के सरदार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल अब्दुलमतलब थे जो मक्का मुकर्रमा के सरदार भी थे और खान क़बा का खान काबा का तमाम इंतज़ाम आपके दस्ते मुबारक में ही था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब ये पता चला तो उन्होंने मक्का में रहने वाले तमाम लोगों को कहा कि तुम पहाड़ों की जानिब चले जाओ और इसको छोड़ दो इसलिए कि अरब के रहने वाले उन्होंने हाथी इससे पहले देखे नहीं थे और हाथी भी इस क़दर बड़े बड़े हाथी और ये सब जंगी ट्रेनिंग याफ़्त हाथी थे कि जो बाकायदा मुफसरिन लिखते हैं कि ये बाकायदा इस अंदाज से ये सिपाहियों की तरह लड़ा करते थे के सूट में अपने सून में उठाकर फेंक दिया करते थे और अपने पाँव से कुचल दिया करते थे यहाँ तक कि वो तमाम हाथी जो है बड़े ट्रेनिंग याफ्ता थे तो अब्दुल अब्दुलसीदन अब्दुल मुतलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम उन्होंने हुक्म दिया तमाम मक्का में रहने वालों को कि आप हजरात मक्का मुकर्रमा को खाली कर दें और फिर इस आप जो है मक्का मुकर्रमा को छोड़कर पहाड़ों की जानब चले जाएँ और मक्का मुकर्रमा के इस शहर को उस खाली को मालिक के जिम्मे छोड़ दें जिसका ये घर है वो वह रबालमीन खुद ही इसकी हिफाजत करेगा यहाँ तक के इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा लश्कर है अगर हम तमाम मर्द औरतें बच्चे सब भी मिलकर मुकाबला करें तो इनकी फ़ौज फिर भी ज़्यादा है तो हम इसको उनको हुकुम, उनको उन्होंने हुक्म दिया मक्रमा मक मकरम के रहने वालों को कि आप इसको खाली कर दें फिर यहाँ तक कि उसने अपने नपाक आजायम का इस अंदाज़ में भी इजहार किया कि उसने लोगों की तमाम चीज़ों को जहाँ उनको लूटा वहाँ सईदन अब्दुलमतलब रद्ल तों के दो सौ ऊँट भी उन्होंने उसमें उसमें कैद कर ली और उन्होंने जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो आप अब्रहा के पास गए और अब्रहा से कहा बल्कि अब्रहा के पास गए और अब्रहा ने पूछा आप क्यों आए हैं तो आपने कहा कि मैं अपने दो सौ ऊँटों का मुतालबा करने आया हूँ तो उसने कहा कि मैं तो आपको बड़ा अजीम समझता था कि मैं तो मक्का मुकर्रमा में हमला करने आया हूँ और जिस बैतुल्ला की वजह से आपकी इज्जतें हैं और मैं तो उसको शहीद करने के लिए आया हूँ तो अल्लाह फसीन इकराम लिखते हैं कि आपने उस वक्त क्या जवाब दिया बड़ा ही प्यारा जवाब दिया आपने कहा मैं तुमसे अपने ऊँटों का मुतालबा करता हूँ बैतुल्ला के बारे में मैं कोई सवाल नहीं करता इसलिए कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और बैतुल्ला का मालिक वो रब्बुल रब्बुलमीन है जो इसकी खुद हिफाजत करेगा ये जवाब सुनकर वो बड़ा मुतजब हुआ और अब उसने क्या किया कि उसने दो सौ तो वापस कर दिए लेकिन अब इसने सुबह के वक्त ऐसा किया के हाथियों को लेकर और अपनी फौज को लेकर मक्का मुकर्रम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और उस वक्त जब आगे बढ़ रहा था तो अब्रह के पास एक बहुत बड़ा हाथी था इक्राम ने इकराम ने यहाँ तक कि उस हाथी का नाम भी लिखा है उस हाथी का नाम महमूद था उस हाथी को मारते यहाँ तक कि उसके, उसके उस पर कोड़े बरसाते और उसको आगे की जानब बढ़ाते लेकिन मक्का मुकर्रमा की जानब वो न बढ़ता अगर किसी और सिमत उस हाथी को उठाते और उसको बढ़ाते तो वो उस सिम तो बढ़ता लेकिन खाना काबा की तरफ वो नहीं बढ़ता ये मंजर देखकर उसके साथ जो बड़े बड़े कई हजार सरदार थे उन्होंने जब इस मंजर को देखा तो वो समझ गए और उन्होंने ये महसूस कर लिया कि अब यकीन अल्लाह का आजाब जो है वो आने वाला है उन्होंने अबराह के लश्कर को छोड़कर वहां से भाग गए और फिर क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज में एक परंदों के घोल को भेजा जिनके चोंच में जिनकी चोंच में एक कंकरी थी और पाँव में एक एक कंकरी थी यानी एक पंजे में एक कंकरी और इसी तरीके से दूसरे पंजे में दूसरे कंकरी यानी कि तीन कंकरियाँ एक ही परिंदे के पास थी लेकिन अल्लाह नाजरीन ये कंकरी इसकी अहमियत आप ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो हराम शरीफे गए हैं उन्होंने देखा होगा वहाँ एक परिंदा जो चीं ची छोटी छोटी सी परिंद पिदी नुमा है और और इसे अबाबील कहते हैं उसके उलमा ने लिखा है कि ये चने के दाने के बराबर या मसूर की दाल के बराबर ये इसके छोटे छोटे कंकरियाँ इसके पास थी और सुबहानल्ला नादरीन मुफसरिन लिखते हैं कि उस वक्त वो कंकरी और वो चने की दाल नुमा इस अंदाज़ से काम किया करती थी कि पूरे आइटम बम का काम किया करती थी यहाँ तक के जो उनके सिपाही जिन्होंने लोहे की टोपियाँ पहनी हुई थी और जिसम उनका लोहे से लबरेज था यानी कि जिसम पर भी लोहे का जर्रे वगैरह पहनी हुई थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन परिंदों को हुक्म दिया तो वो परिंदे गए और उन्होंने एक एक सिपाही पर एक एक कंकरी फेंकी यहाँ तक के कि वो उनके लोहे की टोपियों को चीरते हुए उनके जिस्मों को चीरते हुए यहाँ तक के जिन घोड़ों पर जिन हाथियों पर वो सवार थे उनको चीरते हुए ज़मीन पर जा लगी और मुफसरिन यहाँ तक लिखते हैं कि जैसे ही कंकरी वो लगती थी उन पर तो वो भूसा बन जाया करते थे अल्लाह अकबर तो अल्लाह रब्लमीन का ये एक निज़ाम है अल्लाह रब्लमीन के एक कुदरती एक कुदरती एक करिश्मा था कि और अल्लाह रब्लमी का एक नि निज़ाम है कि जितने बड़ा जितना बड़ा इंसान और जितना बड़ा मतकबर हुआ करता है और जितना बड़ा नाशुरा हुआ करता है और जितना बड़ा नाफरमान हुआ करता है अल्लाह तबारक का वताल उसको छोटे से छोटे अमल के ज़रिए उसके नापाक अजाइम को नाकाम करते हैं और अल्लाह रब्लम ने एक छोटे से परिंदे से इतना काम लिया कि सुबहान अल्ला के वो छोटे से परिंदे के मुँह में जो दालनुमा चने की दालनुमा कंकरी थी उसने इतना बड़ा काम किया नादरीन इकराम और फिर अल्लाह रब्मीन का ये एक निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सभी को उस वक्त ख़त्म न किया बल्कि कुछ लोग जिनको कंकरियाँ तो लगी, लेकिन वो लोग वहाँ से वापसी लौटे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो अपने दुनिया में जो उनके साथ जो ये वाकया पेश आया था उस वाक़े का अपनी ज़बान से खुद जिक्र करें कि लोग उनसे पूछें कि ये तुम्हें क्या हुआ तो वो ज़िक्र करें यानी कि जो लोग रह गए थे और जैसे ही उनके कंकरियाँ उन पर जिसम पर लगी थी उनके जिसमों से पीप और खून रस्ता था पीप और खून उनके जिसमों से रस्ता था यहाँ तक के कि वो इसी तरीके से जब वो निकले और वहाँ पहुँचे लोगों ने पूछा तो लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इबरत का निशान भी बनाया नादरी यही वो लोग हैं जिनके लिए कुरान करीम में ये वाक़ ये इबरत के लिए वाक़ जिक्र किए गए हैं ताकि हम सब भी इस अंदाज से रबालमीन की फ़रो बरदारी और उससे उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक और उसके महबूबल वसम के अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो यकीन कामयाबी भी इसी के अंदर है और वाक़ात जिक्र करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब भी अल्लाह की फ़रवाबरदारी और उसके खुशनुदी के लिए अमाल करते रहें नादिनसाम यहाँ मैं आपको आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाला हूँ क्योंकि आज हराम शरीफन का तस्करा हुआ है और हराम शरीफन बिलखसूस ख़ान कब इसका जिक्र हुआ है तो आज मैं आपको एक खूबसूरत और एक प्यारी बात सुनाने वाला हूँ कि इन शजीज़ आज इस प्यारे घर का जिक्र हुआ तो इन श्ला मेरा भी बरोज़ थे यानी जुमरात वाले दिन हराम शरीफन की तैयारी है और हराम शरीरफ के सफ़र के लिए आपसे दुआओं की दरख्वा भी है और इन शेरे जितने वीवर्स हैं मेरे जितने लिसनर्स हैं और जितने मेरे से मोहब्बत करने वाले हैं और इस प्रोग्राम से मोहब्बत करने वाले हैं तकबीर टी से मोहब्बत करने वाले हैं और इसके साथ तावर करने वाले हैं मैं तमाम हजरात को यह आपकी दुआओं का तुफैल अल्लाह तबारक व ताल मुझे ये एजाज़ दिया तो इन श्लाजीज़ तकरीबन एक फाइव वीक्स का दरम्यान में गैप रहेगा लेकिन इन शे ये, ये प्रोग्राम रिपीट चलते रहेंगे और उम्मीद है कि आप भी अपने सबक की तैयारी इसी अंदाज से करते रहेंगे और हम भी आप, आप ये जानते हैं सूरतलफील और ये इनशाला कल भी प्रोग्राम होगा बुध वाले दिन भी इन शाह प्रोग्राम होगा और फिर कल का दिन आखिरी मुलाकात आपसे होगी और फिर इनशाला कल के दिन लाइव कॉल भी लेंगे आपसे आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हम आपसे सिर्फ आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी और फिर सबक की जानब बढ़ेंगे इन शजीज़ ज़िंदगी बाकी तो इनशाला आपसे मुलाकात भी बाकी होगी तो आप चलते हैं अपने सबक की जानब बावज़ु हो जाइए और बड़ी ही अदब अहतराम के साथ टी वी स्क्रीन की जानब अपने अपने क़ुरान करीम खोल लीजिए ताकि आज के सबक की सूरतुलफील की आयत नंबर तीन की इब्तदा करें वैसे तो हम इनशा पूरा तो पूरी सूरतुलफील पढ़ेंगे उसके बाद इन आयत नंबर तीन उसकी वजाहत करेंगे आइए चलते हैं आज की सबक की जानब तवज़ और तस्वीरें पढ़ते हुए हमारे साथ आज के सबक में शामिल हो जाइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك ربك بأصحاب الفيل ۖ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۖ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۖ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ صدق الله العظيم. नादिन कराम अलहमदिल्ला आपने सुरतलफ़ी इसकी बायदा मशकी प्रैक्टिस की अब आइए हम चलते हैं आयत नंबर तीन की जानब और इसकी वजात करते हैं देखते हैं कौन से हर पर कौन सी हरकत हरकतें नादिन आयत नंबर तीन है वह वर उसी अबीर वरुशैला पहला क़लिमा है और इसमें पहला हर्फ वाऊ है वाऊ पर तजदीद यानी हरफ मुशद वाऊ हरफ मुशद है और इस पर ज़बर की अलामत भी मौजूद है उसके बाद हमज़ अलिफ है अलिफ पर ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है फिर रॉ है रो पर जज़म यानी सुकून की अलामत मौजूद है और उसके बाद सीन है सीन पर भी ज़बर यानी फतह की अलामत मौजूद है और फिर लाम लाम पर भी ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है और उसके बाद दूसरा कलमा अलैहिम है अलैहिम में पहला हर्फ आइन है आइन पर भी ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है फिर लाम लाम पर भी ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है फिर या या पर जज़म यानी सुकून की अलामत मौजूद है फिर हा है हा के नीचे ज़ेर यानि कसरा की अलात मौजूद है और फिर मीम मीम पर जजम यानी सुकून की अलामत मौजूद है तो तीसरा कलमा है कोई रोन में पहला हर्फ तौ है तो पर जबर यानी फतह की अमत मौजूद है फिर या, या पर जजम जज़्मनि सुकून की अलामत मौजूद है और उसके बाद रॉ है रॉ पर दो ज़बर दो ज़ेर, दो पेश यानी तनवीन की अलामत मौजूद है तो यहाँ पर दो ज़बर मौजूद हैं तनवीन की अलामत तो रॉ पर तनवीन की अलामत मौजूद है उसके बादफ अलिफ खाली है लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा उसके बाद अबाबिल यानी कि च चौथा कलीमा है और इसमें पहला हरफ अलीफ़ अली पर ज़बर यानी फ़तः की अलामत मौजूद है और उसके बाद है बा ज़बर यानी फ़तः की अलामत मौजूद है और उसके बाद अलीफ अलिफ खाली इस पर कोई हरकत नहीं इसके बाद बा के नीचे ज़ेर यानी कसर की अलामत मौजूद है और इसके बाद याहे या पर जज़म यानी सुकून की अलामत मौजूद है और इसके बाद लाम है लाम पर भी ज़बर यानी फ़तह की अलामत मौजूद है नाजिन माशा आपने आयत नंबर तीन की हरकत को जाना अब हम यहाँ चलेंगे एक ब्रेक की जानब और ब्रेक से वापसी पर इनशल इस आयत नंबर तीन की बाकायदा इसकी इसकी हिज्जे इसके जोड़ की जानब बढ़ेंगे और फिर आपको बाकायदा हर हर्फ की प्रनाउंसिएशन भी इसकी वजहत करेंगे चलते हैं एक ब्रेक की जानब इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी प्रैक्टिस और अपने सबक की मश् जारी रखेंगे असलम वरहमल वरक